सभी को प्रणाम करता हूँ। द विंटेज मैन ऑफ म्यूजिक चैनल में आपका अभिनंदन है। पैनासोनिक कंपनी का एक बूम बॉक्स आपके सामने लेके आया हूँ। इसका मॉडल नंबर है RX CT 820। तो इसकी कंडीशन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बैक साइड से। एकदम ही कमाल का है, कोई स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है, चमचमाता हुआ पीस है। लाइन इनका आपको मिल जाएगा। उसके बाद में ये स्पीकर, दोनों डिटेचेबल स्पीकर है, अलग भी कर सकते हैं, बैटरी से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, या पावर कोड लग जाएगा। सामने से लुक भी एकदम चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। तो बाकी इसको चला के चेक करेंगे कि कैसा इसका साउंड आएगा। सामने से देख सकते हैं आप, एकदम ही ब्रांड न्यू लुक है। यहाँ पे इसका इक्वलाइजर है, ग्राफिक्स इक्वलाइजर, ये बैलेंस का हो गया। उसके बाद में ये 4 बैंड का इक्वलाइजर हो जाएगा। यहाँ से आप XBS यानी बास लेवल को कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। वॉल्यूम का हो गया कंट्रोल, यहाँ से लाइन इन हो गया। उसके बाद में रेडियो और टेप, यहाँ से जो स्पीड डबिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें हाई, नॉर्मल और नीचे माइक आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ माइक का पोर्ट दिया हुआ है। उसके बाद में ये आपके FM, MW, शॉर्ट वेव फर्स्ट और टू, उसके लिए रेडियो ट्यूनिंग के लिए आपको बैंड मिल जाते हैं। यहाँ से फाइन ट्यून हो गया, ये ट्यूनिंग के लिए मेन ट्यूनिंग हो गया। बाकी कैसेट के दिए हुए सारे बटन चमचमाते हुए हैं। स्पीकर भी आपको दिखा देता हूँ नज़दीक से। तो चलाएंगे इसको, सबसे पहले कैसेट से। प्ले करते हैं। बहुत अच्छे से कैसे प्ले कर रही है, तो बी साइड भी मैं चेक करवा देता हूं आपको। प्ले करते हैं। रिवाइंड करता, प्ले करता, ये फॉरवर्ड, प्ले करता। कैसेट दोनों तरफ ही बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। तो रेडियो मैं आपको चला के चेक कराऊं, उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें। तो चलाते हैं इसका ट्यूनर और चेक करते हैं। ट्यूनर जिस तरह सिक्के होती है, वैसे अंदर से कुछ और एक सच बात मनमोहन सिंह जी ने हमें बताई है कि सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना लाजमी है। संगत शर्मा जी का संदेश है, दर्द वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, ना गैर तो हल्का सा धक्का लगने में भी माफी मांग लिया करते हैं।
इसका मीडियम वेव हो गया, अभी शॉर्ट वेव फर्स्ट पे भी चेक कर लेंगे। फर्स्ट भी काम कर रहा है, अब शॉर्ट में उस टू पे चेक करेंगे। ओवरऑल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ट्यूनर और इसका कैसेट का दोनों सेक्शन, बाकी कंडीशन भी कमाल की है। बाकी अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं और एक प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।